गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फोर्स क्या है और लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम अपने पोजीशन से अगर हमको उसको चेंज करना है, मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमें हटा करके हमें यहाँ पर ले जाना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बिना फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता है। और ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके थ्री लॉज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जनरल थ्योरी पर डिस्कशन कर लें। देखिए, फोर्स क्या है? ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी बॉडी पर धक्का दे करके या खींचते हैं तो एक फोर्स मतलब लगता है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुश और पुल, दिस इज टू मेनली टाइप ऑफ फोर्स। अब ये पुश क्या है? एक ऐसा फोर्स है इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, जो किसी ऑब्जेक्ट को हमसे दूर ले जाता है ना। और एक ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स अस, जो किसी ऑब्जेक्ट को हमारी तरफ ले आता है, तो वो पुल फोर्स होता है, मतलब खींचा गया फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आएगा, मतलब टुवर्ड्स अस। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे, मतलब पुश करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर चला जाता है। ऐसे ही अदर फोर्सेस इन एवरी डे डेली एक्शंस, मतलब केवल दो ही फोर्स नहीं होते हैं, ऐसे कई फोर्स और होते हैं। जैसे लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना, उठाते समय भी फोर्स लगता है। स्ट्रेचिंग, खींच कर बढ़ाना, वो स्ट्रेचिंग फोर्स है। ट्विस्टिंग, मरोड़ना, किसी ऑब्जेक्ट को मरोड़ना, तो उसमें ट्विस्टिंग फोर्स लगता है। प्रेसिंग, किसी ऑब्जेक्ट को दबाना, तो ये दबा करके, ट्विस्ट करके, स्ट्रेच करके, लिफ्ट करके भी तो हम फोर्स लगाते हैं। तो दिस फोर फोर्सेस, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग आर अदर फोर्सेस इन एवरी डे डेली एक्शंस। अब देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस, जो हमने ऊपर फोर्सेस पढ़े उनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पुशिंग है, तो पुशिंग कैसे लगेगा? व्हेन वी किक ए फुटबॉल, जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं, मतलब मारते हैं पैर से, तो पुश किया जाता है। फॉलन लीव्स फ्लाई अवे विथ विंड, जब पेड़ से पत्तियां गिरती हैं और वे उड़ करके कहीं दूर चली जाती हैं, तो उस पर एक फोर्स हवा लगाती है, एयर, जो उन पत्तियों को दूर ले जाती है। तो यहाँ पर वो फोर्स कौन सा लग रहा है? पुशिंग। पुलिंग, व्हेन वी पुल द ड्रॉयर ऑफ ए टेबल, जब हम किसी टेबल का ड्रॉयर खींचते हैं सामान निकालने के लिए, तो हम पुलिंग फोर्स लगाते हैं। इसी तरीके से लिफ्टिंग, व्हेन वी लिफ्ट ए बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर पर कोई बॉक्स रखा है और हम उसको उठाते, तो एक फोर्स लगता है, लिफ्टिंग। स्ट्रेचिंग, व्हेन वी स्ट्रेच ए रबर बैंड, जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है, खींच जाता है,
ट्विस्टिंग, व्हेन वी ट्विस्ट ए वेट क्लॉथ टू स्क्वीज आउट वाटर। देखिए कपड़ा तो सबके यहाँ धुला जाता है, तो कपड़ा धुलते समय तुरंत फैला थोड़ी दिया जाता है, उसको ट्विस्ट करके पहले उसका पानी हटाया जाता है। तो ट्विस्टिंग के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल हमने दिया है। प्रेसिंग, व्हेन वी प्रेस द ब्रेक ऑफ ए कार, जब हम किसी कार में ब्रेक लगा करके उसकी गाड़ी को रोकते हैं तो फोर्स जो लगता है वो प्रेसिंग है। अब हमारे सामने आता है ये जो फोर्स लगते हैं ये क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, एक बॉडी कहीं पर रखी हुई है स्टेशनरी है तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कर जाएगी, है ना। इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी चल रही है हमने आगे से आके रोक लिया तो उस कंडीशन में भी एक फोर्स लगेगा, तो वो भी फोर्स इस तरीके से भी प्रभाव डालता है, मतलब मूविंग बॉडी को रोकने में और स्टेशनरी बॉडी को चलाने में फोर्स इफेक्ट डालता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी धीमे चल रही है हमने फोर्स लगा दिया तो अब उस बॉडी की स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से भी फोर्स इफेक्टेड होता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना, कोई बॉडी चल रही है सीधा चल रही है हमने फोर्स इधर से लगा दिया तो जब हम फोर्स, गाड़ी चल रही है सीधा हमने फोर्स ऐसे लगा दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का अगर शेप एंड साइज चेंज करना है तो हम उसको बाय ट्विस्टिंग बाय प्रेसिंग उस बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर फाइव इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, तो वो एग्जांपल्स क्या हैं देखते हैं। यस, इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा और इफेक्ट ऑफ फोर्स से रिलेटेड चार एग्जांपल हमने लिखे हैं। देखिए पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, मतलब फोर्स लगा करके हम किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट इफेक्ट का एग्जांपल दिया है, फोर्स ऑफ आवर फुट मूव्स ए स्टेशनरी बॉल। देखिए जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो क्या करता है, पैर से फुटबॉल को मूव कराता है, रुके हुए स्टेशनरी फुटबॉल को अपने फुट से मूव कराता है। फोर्स ऑफ इंजन कैन मूव्स ए स्टेशनरी कार, एक कार जो खड़ी हुई है वो नहीं चलेगी जब तक उसका इंजन नहीं स्टार्ट करेंगे और जब इंजन स्टार्ट करेंगे तभी वो गाड़ी मूव करेगी। स्टेशनरी कार को मूव कराने के लिए हम जो हमारा इंजन है वो एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ये किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टॉप्स द मूविंग बॉल, देखिए हमने आपको बताया था जैसे ये ग्राउंड है
अगर इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, और वो लगाता कौन है? ग्राउंड। मतलब जिस सरफेस पर हम मूव कर रहे हैं वो सरफेस फ्रिक्शन लगाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टॉप्स द मूविंग बॉल। एक बॉल को हमने फेंका, वो मूव कर रही है और अपने आप ही वो कुछ देर बाद रुक जाती है। इसका रीज़न है फ्रिक्शन, जो कौन लगाता है? ग्राउंड लगाता है। फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्टॉप से मूविंग कार। एक गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी को हमें रोकना है तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, या वो फोर्स कौन लगाएगा? तो गाड़ी में ब्रेक होती है, वही किसी गाड़ी को रोक सकती है। तो ब्रेक से ही हम फोर्स लगाएंगे किसी गाड़ी को रोकने के लिए। इफ़ समवन पुशेस द, देखिए इसमें थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी चल रही है और हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? सॉरी, स्पीड चेंज करनी है, बढ़ानी नहीं है, स्पीड को चेंज करना है। क्योंकि ये कह रहा है इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, स्पीड चेंज कैसे होगी? इफ समवन पुशेस द मूविंग बाइसिकल। देखिए ये बदमाशी स्कूल में बच्चे करते हैं, कोई बच्चा साइकिल लेकर के जा रहा है, पीछे से उसकी साइकिल खींच देते हैं या उसकी साइकिल को धक्का मार देते हैं, ये दो काम करते हैं। तो अगर कोई किसी चलती हुई बाइसिकल को पुश करता है, धक्का मारता है, तो स्पीड ऑफ बाइसिकल इंक्रीसेस, बाइसिकल की स्पीड इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इफ समवन पुल्स बिहाइंड द मूविंग बाइसिकल, अगर बाइसिकल को पीछे की तरफ खींचेगा तो स्पीड ऑफ बाइसिकल डिक्रीसेस, बाइसिकल की स्पीड डिक्रीज होगी, आपको गुस्सा आएगा क्यों खींच रहे हो, है ना? तो हमने ये दो एग्जांपल से क्या जाना है कि पुश और पुल चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। पुश और पुल दो फोर्स लगा करके हम किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हम ऐसे करके छोड़ दें और नीचे गिरा दें तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। उसका क्या रीज़न होता है? ग्रेविटी। द फोर्स दस फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, फ्रीली गिराया जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मतलब मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी फोर्स चेंज कर सकता है। कैसे? देखिए फोर्स एग्जर्टेड बाय रैकेट ऑफ ए टेनिस प्लेयर। एक टेनिस प्लेयर जो कि खेलता है रैकेट से, तो वो देखिए एक बार बॉल को इधर फेंकता है, एक बार इधर फेंकता है, एक बार ऐसे मारता है, तो मतलब अपने रैकेट से ही एक फोर्स लगा करके वो बॉल का डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि फोर्स एग्जर्टेड बाय रैकेट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉल। एज ऑफ कैरम बोर्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर व्हेन वी टेक रिबाउंड। अब ये रिबाउंड का मतलब आप
कैरम बोर्ड अगर सबके घरों में है तो हम ये देखते हैं कि कैरम बोर्ड में अगर हम किसी स्ट्राइकर को यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और ये आपका कैरम बोर्ड का एज है, तो यहाँ से टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखिए, पहले डायरेक्शन ऐसे था, फिर डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो इस तरीके से जो स्ट्राइकर खेला जाता है तो उसको कहते हैं रिबाउंड, मतलब रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करके किसी स्ट्राइकर को मारना, उसको रिबाउंड कहते हैं। तो एज ऑफ कैरम बोर्ड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर व्हेन वी टेक रिबाउंड, जब हम रिबाउंड लेते हैं तो हम स्ट्राइकर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। व्हेन वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ, खेल खेल में जब हम भगवान की पूजा की जाती है, अगर बत्ती जलाया जाता है तो उससे धुआं निकलता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस धुएं पे ऐसे फूंक मारते हैं। तो फूंक मारने से क्या होता है, पहले धुआं तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप फूंक मारेंगे वो धुएं का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, व्हेन वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन स्मोक ऑफ अगरबत्ती इट्स डायरेक्शन चेंजेस। तो इस तरीके से ये फोर एग्जाम्पल हमने देखे, और ये पांचवा एग्जाम्पल क्या है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा व्हेन वी प्रेस ए नीडेड डव एंड वेट नीडेड क्ले। बेटा, क्ले मिट्टी ले लीजिए, या जो हम लोग आटा सानते हैं उसको ले लेते हैं, उसको जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। इट्स शेप एंड साइज चेंजेस, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका होगा, यही आपको लिखना है, ठीक है। व्हेन वी ब्लो ए बैलून, जब हम एक बैलून को फुलाते हैं तो भी उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। इस तरीके से हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़े, और उस इफेक्ट ऑफ फोर्स पर रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने देखे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है गिव एनी टू एग्जाम्पल या एनी वन एग्जाम्पल, तो वन एग्जाम्पल तो हमने सब में दिया है, लेकिन अगर टू आता है तो अपने आप उसको सोचना है, क्योंकि ये एक तरीके से व्यवहारिक क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, नाउ दिस इज टू टॉपिक, अ बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, बैलेंस्ड फोर्स क्या क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। सबसे पहले हमें देखना है बॉडी, जैसे कोई बॉडी है ये किसी सरफेस पर रखी है, तो कह
कह रहे ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इस पर कितने फोर्स लगते हैं? देखो इस किसी भी बॉडी पर मतलब कई फोर्स लगते हैं, जिसमें से हम आपको चार फोर्स इंक्लूड कराते हैं। एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं पुश, ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ। तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो सरफेस है वो भी एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा हिल नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में रहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये दोनों इक्वल है, यही तो कारण है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स आपका 20 न्यूटन है इस ऑब्जेक्ट के लिए, और जो हम खींच रहे हैं ये हम मान लीजिए 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट तब भी रेस्ट में ही रहेगा, है ना। अब हमने क्या किया, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, लेकिन फ्रिक्शन 20 न्यूटन कांस्टेंट रहता है, तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, ये इस तरफ नहीं भागेगा, है ना। अब हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी ये आगे नहीं बढ़ेगा, 20 न्यूटन का लगाया तो 20 न्यूटन में हम ये देख रहे हैं कि इक्वल तो हो गया है, इक्वल हो गया है। इसका मतलब अब हम इसमें अगर 1 न्यूटन का भी फोर्स बढ़ा देते हैं, मतलब मान लीजिए 21 न्यूटन कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जब हम पुश करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा कब, इस तरफ जाएगा तब जब हम इस फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। तो देखिए वैसे तो मतलब ये आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि पुश वाला फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल माना जाता है, लेकिन इक्वल होते नहीं। पुश वाला फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम है तब ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो बेटा बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। अच्छा, इस पर दो फोर्स और लगते हैं, एक फोर्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये फोर्स अंडर ग्रेविटी लगता है, ये अर्थ ये फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स और ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये अगर दोनों इक्वल है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट हमारे इस सरफेस को छोड़ करके ऊपर जाने लगेगा, और अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, रिएक्शन कम है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चालू करेगा, है ना। तो बैलेंस्ड फोर्स के लिए आप लोग क्लास 9th में हैं,
आप इतना ही जान सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और ये जो पुशिंग फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, हालांकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते नहीं हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए अब आप ये सोचिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल होने के कारण इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, है ना। बराबर फोर्स है, ये बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट में रहेगी। अब एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, रेस्ट पोजीशन पर रहेगी। तो जब ऐसे फोर्स लगते हैं तो उनको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्स इसका जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट में आप ये ले सकते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे, तब लगने वाले फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, और इधर लगने वाले फोर्स में जो पुशिंग फोर्स है वो जब मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगा, मूव कर जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए काम करेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बैलेंस्ड फोर्स काम करेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा। तो इसके कई एग्जांपल्स हैं। देखिए रस्सा खींची वाला जो गेम होता है, जिसमें कुछ प्लेयर उधर होते हैं, जैसे ये रस्सा खींची वाला गेम है, इसमें 5 प्लेयर इधर हैं और 5 प्लेयर इधर हैं, और ये आपका मिड पॉइंट है। तो अगर इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स अगर इक्वल है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये मूव नहीं करेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स। और जैसे ही कोई एक फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये वाली लाइन या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, तो वहाँ पर हमारा फोर्स कौन सा काम करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा। क्लियर। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से हमें पहले जानना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक जो बॉडी है अगर वो रेस्ट पोजीशन पर है तो रेस्ट में ही रहेगी, एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, उसके रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए। सिंपली अगर इसको इस तरीके से समझा जाए कि एक बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ना लगाया जाए,
और कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। अरे बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो ये हमेशा रेस्ट रहेगी, चाहे आप एक दिन बाद देखिए, चाहे दो दिन बाद देखिए, चाहे तीन दिन बाद देखिए। लेकिन अगर हम इस पर एक फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को, अपने स्टेट को चेंज कर देगा। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो न्यूटन ने कहा कि वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स न लगाया जाए। अगर मोशन इधर हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। अब दिमाग में ये आता है कि हम जब साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के बाद पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी साइकिल धीमे होकर के रुक जाती है। ये दिमाग में आता है। तो इस कंडीशन में एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो अदृश्य है, जो भगवान लगा रहे हैं। वो दो फोर्स कौन से हैं? एक फ्रिक्शन फोर्स, जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और एक फोर्स होता है ग्रेविटी वाला फोर्स। एक होता है हमारे ऊपर बहुत सारा एयर है, एयर का रेजिस्टेंस। तो ऐसे दो, ये तीन फोर्स ऐसे हैं जो हमेशा लगते हैं, तो जिसके कारण से कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कुछ देर के बाद रुक जाती है। तो ये आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जाना। अब एक एग्जांपल देखिए, इस लॉ ऑफ मोशन में दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ये दूसरा पार्ट है कि एक बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी, एक बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहेगी। इसलिए जो हमने एग्जांपल लिया है, दो एग्जांपल लिए हैं, है ना। ऊपर वाली लाइन का एक एग्जांपल हमने लिया है नंबर वन, नीचे वाली लाइन के लिए एक एग्जांपल लिया है नंबर टू। ए बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल, एक बुक एक टेबल पर पड़ी हुई है, रखी हुई है। इज इट, इट इज एट रेस्ट, और वो रेस्ट पर। द बुक विल नॉट मूव बाई इट सेल्फ, किताब अपने आप हिलेगी नहीं। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट when we compelled a force by our hands, जब हम अपने हाथों से उस किताब को उठाएंगे या हटाएंगे तभी वो बुक अपनी जगह को छोड़ेगी। तो यहाँ पर जो हैंड, आवर हैंड जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब हमें ये जानना है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इज इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है? डिफिनीशन आती है, डिफिनीशन अगर आएगी तो आपको यही लिखना है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इज इनर्सिया ऑफ रेस्ट। लेकिन हमें जानना है कि ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है ना, तो इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है। जैसे प्रवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं, जो बच्चा बुद्धिमान है तो वो हमेशा बुद्धिमान ही रहेगा क्योंकि वो पढ़ता रहेगा, है ना।
उसकी प्रवृत्ति है पढ़ने वाली, इसकी वजह से वो बुद्धिमान है। तो वैसे ही एक बॉडी है रेस्ट में, तो इसकी एक टेंडेंसी है कि ये रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। कोई बॉडी जो रेस्ट में है वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी, है ना। तो इसको हम इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी मोशन कर रही है, चल रही है, तो उसकी भी एक टेंडेंसी है, वो चलना ही चाहेगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम उसकी टेंडेंसी को बदल देते हैं, है ना। लेकिन जो मोशन में ऑब्जेक्ट रहता है उसकी टेंडेंसी जो होती है वो मोशन की टेंडेंसी होती है, तो उसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो इनर्सिया ऑफ मोशन की प्रवृत्ति होती है। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन मोशन, किसी बॉडी को मोशन में है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, तो बॉडी की इस टेंडेंसी को हम इनर्सिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हेन ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, तो इसका एग्जांपल हमने क्या दिया है, ए बाइसिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक साइकिल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इफ वी स्टॉप पेडलिंग, अगर हम उस पर पैडल लगाना बंद कर देते हैं, द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, वो साइकिल अपने आप ही धीमे होकर के रुक जाती है। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे उस साइकिल के ऊपर हवा का दबाव है, और जमीन, जिस जमीन पर वो साइकिल चल रही है वो एक फ्रिक्शन लगा रहा है। अपोज द मोशन ऑफ बाइसिकल, जो बाइसिकल के मोशन का अपोज करती है ना। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, है ना। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इनर्शिया है, जो हम इनर्शिया का नाम पढ़ रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करती है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। कैसे? थोड़ा सा सोचिए, इनर्शिया के दो टाइप्स होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मैंने आपको ये बताया कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। अब थोड़ा एक चीज़ सोचिए कि हमारे पास एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है, इसका मास जो है कम है, इसका मास है मान लीजिए 1 kg और इसका मास है 50 kg। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, तो इनकी टेंडेंसी, रेस्ट में रहने वाली जो टेंडेंसी है, इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी ज़्यादा होगी? अरे भैया, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों पे फोर्स इक्वल ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये
रेस्ट में ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा और बढ़ेगा कम, आगे बढ़ेगा कम, और ये ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसका मास कम है ना। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने जाना कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम कैसे, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में हम जानेंगे कि एक बॉडी चल रही है, एक छोटी बॉडी चल रही है, एक बड़ी बॉडी चल रही है, दोनों चल रही है ना, ये दोनों मोशन कर रही हैं, ठीक है। दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है। अब ये दोनों मोशन में रहना चाहते हैं, है ना, दोनों मोशन में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मान लो इसको रोकना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो कौन पहले रुकेगा? ये पहले रुकेगा और ये बाद में रुकेगा, क्योंकि इसको रोकने की हिम्मत है किसी को? भाई एक कार चल रही है और एक ट्रक जा रही है, ट्रक का मास ज़्यादा है, कार का मास कम है, दोनों चल रहे हैं। अब आपको कह दिया गया दोनों को भाई रोकना है, तो हम इसको नहीं रोक पाएंगे ना, रोकना तो है ये है, हम फोर्स लगा के रोकेंगे ही, लेकिन दो हमारा ये जो मास है ये आसानी से, इसमें हम आसानी से फोर्स लगा करके रोक सकते हैं, लेकिन इसको रोकने में हमें दिक्कत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। नंबर वन, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग। देखिए जैसे ये बस है ना, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है, इसके अंदर एक आदमी ऐसे खड़ा है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग। ये बस आपका पहले रेस्ट कंडीशन में थी, है ना, तो बस तो आपका रेस्ट कंडीशन में थी, ये जो आदमी है, ये आदमी का जो फुट है, फुट ये भी रेस्ट कंडीशन में ही था, है ना, ठीक। और जो इसका अपर पार्ट है, मैन का अपर पार्ट, ये भी आपका रेस्ट कंडीशन में था। जब बस रेस्ट कंडीशन में थी तब ये बस भी रेस्ट कंडीशन में, इस लड़के का फुट भी रेस्ट कंडीशन में, और इस लड़के का अपर पार्ट वो भी रेस्ट कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही सडनली जब आपका बस मोशन करने लगता है, जब बस मोशन करने लगता है, तो इस आदमी का जो फुट है वो भी मोशन करने लगता है, लेकिन जो इस आदमी का जो अपर पार्ट है, बॉडी का अपर पार्ट, इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट
की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। अपर पार्ट रेस्ट में ही रहना चाहता है। बस के चलने पर बस मोशन में आ गई, इस आदमी का जो फुट है वो भी मोशन करने लग गया, लेकिन उस आदमी का जो अपर पार्ट है बॉडी का, वो उसके अंदर इनर्सिया ऑफ रेस्ट की टेंडेंसी आ गई। वो ये सोचने लग गया कि भाई अब हम तो रेस्ट में ही हैं, तो हम अब रेस्ट में ही रहेंगे। लेकिन जब गाड़ी चल दी है तो फिर अब कैसे आप रेस्ट में रहेंगे। इसी वजह से आदमी का जो अपर पार्ट होता है वो पीछे की तरफ फॉल्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ वो गिर जाता है, क्योंकि उसका जो बॉडी का जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है इनर्सिया ऑफ रेस्ट की। तो ये पहला एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे। अब यही दूसरा एग्जांपल भी ऐसे ही है। यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में देखिए, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस, इसका मतलब बस किस पोजीशन पर है, मोशन कर रही है। तो इस लड़के का जो फुट है वो क्या करेगा, वो भी मोशन करेगा है? और इस लड़के का अपर पार्ट ये भी मोशन में होगा। लेकिन अगर गाड़ी सडनली स्टॉप, ब्रेक मार कर रोक दी जाती है, तो बस तो रेस्ट में आ जाती है। ब्रेक दबाए तो बस तो रेस्ट में आ गई, और बस ये जो आदमी है उसका फुट वो भी रेस्ट में आ गया। लेकिन उस आदमी का जो अपर पार्ट है, बॉडी का अपर पार्ट, उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। क्योंकि वो तो पहले चल ही रहा था ना, अपर पार्ट उसका पहले मोशन में ही था, तो उसके अंदर एक टेंडेंसी आ गई अपर बॉडी के अंदर कि हम तो मोशन में हैं, हम मोशन में ही रहेंगे। लेकिन जब दो लोग रेस्ट में आ गए तो आप मोशन में कैसे रह सकते हैं, तो मोशन में आप रह नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी आगे की तरफ गिर जाता है ना, फॉल्स फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हमने दो एग्जांपल हमने सीखे। अब आता है थर्ड एग्जांपल। बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स यूजुअली मेनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ। देखिए, जब हम लोग कपड़ा धुलते हैं तो कपड़ा धुलते समय जब बाल्टी में पानी ले करके जब उसमें पानी में कपड़ा डालते हैं तो वो कपड़ा काफ़ी भारी हो जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वो उस कपड़े ने अपने रेशों के अंदर बहुत सारा पानी जमा कर लिया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ, गीले कपड़े को फैलाने से पहले, लटकाने से पहले, यूजुअली मैनी जर्क, उस कपड़े को ऐसे ऐसे करके गाड़ा जाता है, उस कपड़े को ऐसे ऐसे हाइट हाइट करके, ट्विस्ट करके पहले उसका पानी निकाला जाता है, ठीक है। और टू द वेट क्लॉथ टू गेट देम ड्राइड क्विकली, जिससे वो आसानी से सूख जाए,
देखिए ये पहला है, ये दोनों ही कपड़े हैं, दोनों ही कपड़े हैं, लेकिन बिफोर जर्किंग मतलब अभी इसको गारा नहीं गया है, और ये आफ्टर जर्किंग, ठीक है। तो बिफोर जर्किंग इसके अंदर, इस कपड़े के अंदर मोर वाटर, ज़्यादा पानी रहता है। किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में रहता है, ठीक है। और जब हम इसमें जर्किंग करते हैं तो इस जो इसके अंदर पानी है, इसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट की टेंडेंसी आ जाती है। मतलब ये पानी इसमें रहना चाहता है, लेकिन कैसे रहोगे भाई इसमें? तो अब जब हम उसमें जुगाड़ लगा रहे हैं तो अब तुम इसके अंदर नहीं रह सकते ना। तो पानी रेस्ट में था, लेकिन जब हमने उसको ट्विस्ट किया, जर्क किया, तो ये पानी अपने इस कपड़े को छोड़ करके बाहर आ जाता है, और इस तरीके से ड्राइड क्विकली, जल्दी सूख जाता है। तो ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। अब आता है व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन, समझ में आ गया होगा, देखिए कैरम बोर्ड का एक एग्जांपल है। व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड, देखिए कैरम बोर्ड में ऐसे से करके, कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर लेते हैं, और इस स्ट्राइकर से हम लोग ऐसे करके खेल खेलते हैं ना। तो ये क्या है? ये पाइल ऑफ कॉइन है। व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय ए स्ट्राइकर, जब इससे हम स्ट्राइक करते हैं इसको, ठीक। तो स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे, ये जो नीचे वाली जो कॉइन है वो आगे बढ़ जाती है, और ये बाकी कॉइन कहाँ रहती हैं? ये जैसी की है वैसी जैसी की रहती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे वाली कॉइन को छोड़ करके ऊपर वाली जो कॉइन है उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इनके अंदर रेस्ट में रहने की एक टेंडेंसी आ जाती है, ये रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, हालांकि हमने फोर्स इस पर लगाया है। तो जब ये कॉइन आगे बढ़ जाता है तो ये सारी की सारी कॉइन जैसे के तैसे नीचे आ जाती है, है ना। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन के ये इतने एग्जांपल थे। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मोमेंटम सीखेंगे, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे पॉइंट सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बेटा आप लोग तैयारी करते रहिए, आप ही लोगों के लिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करें। थैंक यू।